दोस्तों, अगर आप 7000 रुपए के बजट रेंज में मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ 7000 रुपए के अंदर मिलने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme की ओर से आने वाला Realme का Realme C11 2021। जी हाँ, इससे पहले Realme का C11 था, लेकिन अब इसे रिप्लेस करके Realme ले आया है Realme C11 Redmi 9A। हालांकि अभी तक Redmi का इस बजट रेंज में काफी टाइम से मोबाइल नहीं आया है, हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको Redmi 10A देखने को मिले। तो यहाँ पर Realme C11 की जो खास बात है वो ये है कि ये Realme C11 का डाउनग्रेड वर्जन है। Realme C11 में आपको 13+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा MediaTek Helio Z35 मिल जाता है, लेकिन इसमें वो सब कुछ आपको नहीं मिलता है। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा क्या क्या दिया गया है इसमें खास। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोनों स्मार्टफोन की पैकिंग पे नजर डालें तो यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है Redmi 9A में। दोनों मोबाइल के बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें आपको मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे Realme C11 2021 से। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, जिसे फिलहाल रखेंगे साइड में। अंदर आपको एक काफी बड़े साइज का चार्जर अडेप्टर मिल जाता है। ये है 10 वॉट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। इसके बाद आपको एक व्हाइट कलर की USB केबल मिलती है, और ये है माइक्रो USB केबल। और अब आ जाते हैं Redmi 9A पर। सबसे ऊपर रखा हुआ मिलता है स्मार्टफोन, इसे भी हम फिलहाल साइड रख लेते हैं। अंदर एक मिनी बॉक्स, बिल्कुल सेम सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, और अंदर देखे तो यहाँ पर आपको एक चार्जर अडेप्टर मिल जाता है, और इसमें भी आपको 10 वॉट का चार्जर दिया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और साथ में आपको एक ब्लैक कलर की माइक्रो USB केबल दी गई है। और ये है दोनों स्मार्टफोन। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की पावर को हम एक साथ ऑन करेंगे और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन जल्दी ऑन होता है। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। Realme C11 पर आपको स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है, Redmi 9A पर आपको कोई भी स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। दोनों मोबाइल के राइट साइड में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। ऊपर की साइड आपको 3.5mm का ऑडियो जैक Redmi 9A में मिलता है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जहां आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में आपको, तो यहाँ पर पावर ऑन हुई है जल्दी Realme C11 की, तो यहाँ पर बॉटम में देखें तो 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक C11 में दिया गया है नीचे की साइड, और यहाँ आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। Realme C11 में स्पीकर ग्रिल आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा। और ये है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कर्बी बैक पैनल के साथ। सबसे पहले C11 2021 का बैक पैनल देखें तो यहाँ पर आपको टेक्सचर डिजाइन दिए गए हैं, और ये लाइनिंग है, लाइनिंग में भी आपको हल्के फुल्के टेक्सचर डिजाइन ही देखने को मिलते हैं, जिन पर स्क्रैचेस कम आते हैं। नीचे काफी बड़े फॉन्ट में Realme की ब्रांडिंग की गई है। वहीं Redmi 9A में आपको एक मैट फिनिश के साथ लाइन मिलती है, जिसमें Redmi की ब्रांडिंग की गई है, और यहाँ आपको टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलते हैं, जिन पर रिजेस हैं और स्क्रैचेस यहाँ भी बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ हैं। और कलर वेरिएंट की बात करें तो Realme C11 2021 आपको दो कलर वेरिएंट में मिलता है, कूल ग्रे कलर और कूल ब्लू कलर। वहीं Redmi 9A आपको मिलेगा तीन कलर वेरिएंट में, जिसमें आपको मिलता है मिडनाइट ब्लैक कलर, सी ब्लू कलर और नेचर ग्रीन कलर। कौन सा कलर वेरिएंट आपको पसंद आता है आप परचेस कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो Realme C11 2021 में आपको 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। वहीं Redmi 9A में आपको 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा विद LED फ्लैश लाइट मिलता है। दोनों मोबाइल के फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों मोबाइल की पावर ऑन हो चुकी है, और ब्राइटनेस को फुल कर देते हैं ताकि डिस्प्ले हमें और अच्छे से देखने को मिले। तो करीब से आपको डिस्प्ले दिखाएं तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों ही मोबाइल में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। बाकी दोनों स्मार्टफोन के आइकन कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। यूजर इंटरफेस Realme C11 में
आपको स्क्रॉल अप करने पर और Redmi 9A में आपको होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारी की सारी एप्स देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो Realme C11 2021 में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है, वहीं पर Redmi 9A में आपको 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है। दोनों का एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलती है। बाकी हाइट की बात करें तो 165.2 mm की हाइट C11 में, 9A में 164.9 mm की हाइट दी गई है। थिकनेस 8.9 mm की C11 में और 9 mm की मिलती है 9A में। वहीं वेट की बात की जाए तो 190 ग्राम का हमारा C11 और 194 ग्राम का हमारा 9A है। दोनों मोबाइल में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। अब नजर डालते हैं सेटिंग पर, शुरुआत करते हैं Realme C11 2021 से। तो इसकी सेटिंग को हम ओपन करें तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर अबाउट फोन सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं Realme का पहला स्मार्टफोन है जो गो एडिशन के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme UI वर्जन गो एडिशन दिया गया है। एंड्रॉयड वर्जन आपको इसमें 11 मिल जाता है। 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जी हाँ 1.6 GHz का दिया गया है। वहीं चिपसेट की बात करें तो UniSoC SC9863A का आपको इसमें चिपसेट मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये मात खा लेता है Redmi 9A से, पीछे हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोसेसर उतना खास आपको नहीं दिया गया है। 2GB रैम मिलती है LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। वहीं अब आ जाते हैं Redmi 9A की सेटिंग में। तो इसकी सेटिंग को ओपन करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको अबाउट फोन सेक्शन मिल जाता है। MIUI वर्जन 12.0.13 का दिया गया है। बाकी स्टोरेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां देखने को मिल जाएगी। यहां से आप देख सकते हैं आपका स्टोरेज कहां कहां यूज हो रखा है। इसके बाद देखें तो एंड्रॉइड वर्जन 10Q दिया गया है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल ऑल स्पेसिफिकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आपको मिलती है LPDDR4X की 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से यूज के लिए लगभग 21GB मिल जाता है। बाकी एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोसेसर पर। तो 2GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इस पे दिया गया है। चिपसेट MediaTek Helio G25 का आपको इसमें मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर दिया है। तो कैमरा क्लैरिटी के मामले में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा C11 का कैमरा ज्यादा बेस्ट लग रहा है, थोड़ी स्क्रीन ब्लू है, जबकि यहाँ पर उतना खास कैमरा नहीं लग रहा है Redmi 9A का। तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को आपको करीब से दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद है तो C11 का कैमरा आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए जूमिंग करके भी देख लेते हैं। तो ये हमारा C11 है, जिससे हम जूम करें तो मात्र 4x तक आप जूम कर सकते हैं। जूम क्वालिटी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर Redmi 9A से हम जूम करके देखें तो इससे आप कर सकते हैं, अरे वाह, पूरा का पूरा 10 गुना जूम आप कर सकते हैं। ये हमने 10x जूम कर दिया है और जूम क्लैरिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। मोर में देखें तो यहाँ पर आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया गया है C11 2021 में, लेकिन स्लो मोशन का नहीं दिया गया है। वही हाल Redmi 9A में है, टाइम लैप्स मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्लो मोशन यहाँ भी नहीं दिया है। Realme C11 2021 में आपको 28 nm का फैब्रिकेशन मिलता है, जबकि Redmi 9A में आपको मिलता है 12 nm का फैब्रिकेशन। तो यहाँ पर भी Realme C11 पीछे हो जाता है। ग्राफिक आपको Mali G52 के C11 में और पावर VR GE8320 के मिलते हैं Redmi 9A में। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की। तो Realme C11 आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पे मिलेगा 6,999 रुपए, यानी पूरे 7,000 रुपए का ये स्मार्टफोन है। वहीं पर Redmi 9A 6,799, मतलब 6,800 रुपए की कीमत में आपको Redmi 9A मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन हमें परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे कहूंगा कि आपको Redmi 9A ही परचेस करना चाहिए। Realme ने अपना एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Android 11 वो एडिशन आपको इसमें दिया है। लेकिन जहां बात आती है प्रोसेसर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको UniSoC का SC9863A का प्रोसेसर दिया गया है, जो
जो कि काफी जल्दी हीटिंग का इश्यू इसमें काफी ज्यादा है, उतना खास प्रोसेसर नहीं है। अगर आप हल्के फुल्के गेमिंग भी करते हैं तो आपका फोन लैग शुरू हो जाएगा, साथ में हीट होना शुरू हो जाएगा। बाकी 28nm का फैब्रिकेशन इसमें आपको दिया गया है, कैमरा 8MP का मिलता है। और साथ में बात वहीं पर बात करें Redmi 9A की, तो MediaTek Helios G25 का एक ठीक ठाक प्रोसेसर मिल जाता है, 12nm का फैब्रिकेशन मिल जाता है, 13MP का रियर कैमरा मिल जाता है। बाकी बैटरी तो आपको दोनों में 5000mAh की दी गई है। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन एक जैसे लगते हैं। चार्जर आपको दोनों ही मोबाइल में 10W का दिया गया है। बाकी प्राइस में थोड़ा सा ऊपर है Realme C11। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे।